नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेप्रोवेरा इंजेक्शन के बारे में, जो कि एक ब्रांड नेम है, फाइजर कंपनी बनाती है, जो कि 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होने देता, यानी बच्चा नहीं लगने देता। अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें डेपोमेडोक्सिल प्रोजिस्ट्रोन होता है, 150 mg ई चम्मल होता है, जिसे हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में डिम्पा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों ये कैसे लगवाना है ये बताऊँगा इसमें, और फिर ये किस टाइम तक काम करेगा, कितने दिन तक काम करता है, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते बच्चा चाहते हैं तो कितने दिन बाद ये आप बच्चा चाहेंगे, कितने बाद आपको बच्चा लगाना चाहिए, ये सब कुछ इसके कंप्लीट इफेक्ट साइड इफेक्ट जो भी है वो आपको कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बात कर ले दोस्तों डिम्पा इंजेक्शन की, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में डिम्पा कहते हैं, जिसे डेप्टोमेडोक्सिल प्रोजिस्ट्रोन कहते हैं। अगर मैं डिम्पा नाम लूँ तो आप समझ जाना यही बोल रहा हूँ। अगर डिम्पा की बात करें दोस्तों, कब लगवाना चाहिए? सबसे पहले लगवाने के बाद दोस्तों ऐसी है कि जब जैसे किसी महिला को 30 तारीख को मेल्सिस आने वाला है, तो आपको 25 तारीख को ये लगवा लेना चाहिए, यानी कि मेल्सिस से 5 दिन पहले लगवाना है, इसका बेस्ट टाइम है। अगर बात करें दोस्तों कि प्रेगनेंसी टाइम हम ये लगवा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लगवाना प्रेगनेंसी टाइम, ये बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हम, क्योंकि इसमें बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर बात करें दोस्तों किन किन को नहीं लगाना चाहिए, तो हमें शुगर पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, या जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट यानी जिनकी बीपी अनकंट्रोल रहती है उनको नहीं लगाना चाहिए, या जिनकी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन लेवल का नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, तो उसमें बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेवल में आप समझ गए होंगे सोडियम पोटाशियम या जो भी है, इनमें इलेक्ट्रॉन लेवल वालों को जिनका अनकंट्रोल रहता है उनमें बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। अगर साथ ही साथ हमें जो ऑस्ट्रो के जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनमें कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जिन महिलाओं में जिनमें कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है बार बार, हड्डियों में कमजोरी होती है, उनको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और इसका कई बार यूज़ हम कैंसर वगैरह के पेशेंट में भी कर सकते हैं, या जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है, जिनके DNA में है, यानी कि उनकी फैमिली से चलता आ रहा लॉन्ग टाइम से, यानी उनको भी था, उनकी मम्मी को भी है, या उनके पीछे भी चलता आ रहा है, तो उनको बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। अगर बात करें डिम्पा इंजेक्शन की, तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, आप जिस जगह लगा रहे हैं कई बार वहाँ पर इचिंग वगैरह यानी पेन वगैरह भी हो सकता है, या खुजली वगैरह भी आ सकती है। साथ ही इसके बहुत सी साइड इफेक्ट और भी हैं, कि अगर आप ये लगवाएंगे तो आप जैसे कि आप 3 महीने का लगवा लिया, तो आप 3 महीने के बाद तुरंत बच्चा लगाएंगे तो वो बिल्कुल, अगर आप 3 महीने बाद बच्चा चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, कि आपको कम से कम 6 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप एक शेप बच्चा कर पाएंगे। अगर आपने आज लगवा लिया तो आज से 3 महीने बाद जैसे आपका इसका टाइम कंप्लीट हो गया, तो आप ये सोच लेना कि अब 3 महीने हो गए, अब हम बच्चा लगा दें या ऐसा कुछ कर ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कम से कम 3 महीना तो लगा है, 3 महीने बाद ही प्रॉपर हो पाएगा। या कई बार ये इंजेक्शन हमें जैसे महिलाओं के अंदर बच्चादानी के अंदर गठन वगैरह हो जाती है, सूजन वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी डिम्पा इंजेक्शन हम यूज करते हैं। अगर बात कर ले दोस्तों डिम्पा इंजेक्शन का, कैंसर में लगाते ही लगाते हैं, और भी बहुत सो में लगाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसमें यही बताने वाला हूँ कि प्रेगनेंसी में क्या क्या काम करता है। और साथ ही साथ अनसैचुरेटेड जो मतलब है मेल्सिस ज़्यादा आवर आने लगते हैं, यानी मेल्सिस 1-2 दिन आना चाहिए, वो 4-5 दिन आने लगता है दोस्तों, यानी ब्लीडिंग आवर होने लगती है, जिसकी वजह से महिला इसे लगवाना पसंद नहीं करती। और कई बार इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जैसे कि आप मान लिया आपने 3 महीने का, लेकिन ये प्रॉपर 3 महीने काम नहीं करती, ये कम से कम 1 हफ्ता पहले काम छोड़ देती है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये मतलब नहीं है कि आपने 3 महीने का लगवाया तो ये प्रॉपर 3 महीने ही काम करेगी, कम से कम 7 दिन पहले ये काम करना अपना बंद कर देगी। और साथ ही साथ ये महिलाओं में सेक्स की कमी हो जाती है, यानी कि इंजेक्शन लगवाने के बाद हार्मोन बैलेंस डाउन अप पड़ जाता है, मतलब कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से सेक्स की उत्तेजना बहुत कम हो जाती है, यानी कि सेक्स करने का मूड काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन बैलेंस को अनकंट्रोल कर देती है। और इसका एक नुकसान है, और भी बहुत से नुकसान है, लेकिन ये क्या करती है कि जो आप महिला की बच्चेदानी होती है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं लगता, इसी प्रकार से ये काम करती है। अगर दोस्तों आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कुछ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।